मैं ठाकुर भयंकर सिंह व विक्रम सिंह को करूंगी तंग और मैं बचाऊंगी अलाना। भैया बिजली लुटी गई भैया बोल भैया बिजली लुटी गई। बात किरण सिंह चौहान इस वक्त तू यहाँ क्या कर रही है? अरे मुझसे पूछ रहे हो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ? आपने मेरे देवर को किस लिए बंद कर दिया है? देवर को किस लिए बंद कर दिया? हमारे अरे ये नहीं जानते उसने क्या किया है। उसने 307 किया है। उसने ठाकुर विक्रम के बाजू पे गोली चला दी। स्वामी ये तुमने कैसे मान लिया कि हमारे देवर ने किसी के ऊपर गोली चला सकता है? अगर ये बात भगवान भी आके किरण सिंह चौहान से कहे कि उसका देवर किसी के ऊपर गोली चलाए तो ये बात फिर भी किरण सिंह चौहान यकीन नहीं। तुम्हारे ही लाज प्यार ने उसे बिगाड़ रखा है। अगर बाजू के जगह पे विक्रम के सीने पे गोली लग जाती तो बताओ उसे फांसी के तख्ते से कोई नहीं। मैं कुछ नहीं जानती, हमारे देवर को छोड़ो। देखिए मैं सूरज को नहीं छोड़ सकता। सूरज को तुम्हें तो छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना पड़ेगा ऐसे नहीं, जब कहते हैं सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ के इंचार्ज तुम ही हो। इंचार्ज नहीं, इंस्पेक्टर साहब। शायद आपको नहीं मालूम आपके सामने आपकी पत्नी किरण सिंह चौहान नहीं बल्कि एडवोकेट किरण सिंह चौहान थे। और रही हमारे देवर की जमानत की बात तो ये देखिए, शायद आपको नहीं मालूम ये क्या है। ये जज का साइन किया हुआ हमारे हाई कोर्ट से जमानत के कागजात हैं। लीजिए पढ़ लीजिए, चेक कर लीजिए। मैंने दस्तखत कर दिए हैं, आप भी दस्तखत कर लीजिए। किरण सिंह चौहान अब जाइए और अपनी ड्यूटी पूरी कीजिए। तुम सूरज की बहुत सिफारिश कर रही हो, देख लेना ये सूरज एक दिन वो काम करेगा जो इस रियासत रतनपुर में मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचोगे। शायद तुम भूल गए हो स्वामी, पर ये किरण सिंह चौहान नहीं भूली है कि जब सूरज छोटा था तब हम दोनों ने एक कसम खाई थी कि सूरज के सिवा कभी अपनी संतान को जन्म नहीं देंगे, सूरज को ही अपनी औलाद से बढ़कर प्यार करेंगे। दीवान जा सूरज को लकब से निकाल करके लो। सूरज सूरज इडिया, क्या मैं तुम्हें रिक्शे से आई हुई नजर आती हूँ? मेरे पास अपनी खुद की गाड़ी है। हाँ मैं रिक्शे से आऊंगी। बुद्धि भ्रष्ट है तुम्हारी। हवा खाते एसी लगी है गाड़ी में। सूरज इन लोगों ने तुम्हें मारा तो नहीं? मेरे लाल जब तक तुम्हारी भाभी जिंदा है तब तक तुम्हें किसी बात की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। किरण सिंह चौहान आज तो मैं सूरज को छोड़ रहा हूँ, लेकिन ले जाओ सूरज को, समझा देना कि ये कानून से आंख में चोली खेलना बंद। ठीक है इसे तो समझा दूंगी, इसे तो समझा दूंगी। रात को तुम घर आओ, अगर तुमसे 12 बजे तक ना खुशा मत करवाई तो मेरा भी नाम किरण सिंह चौहान। अरे राम 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 साहेब, आप भी खुशा मत करते हैं। साहब तुम्हारे में हम आता है वकील, वकील वकील के मतलब जानते हैं आप साहब? आप तो पढ़े लिखे, हम तो गवार हैं। वकील बोला जाता वकील का जाने दे वकील, खेल मकान में लगा दे खाली हथौड़ी चौड़ दे दे भाग कर खुद जा, लकड़ी में है लगा दे खाली हथौड़ी चौड़ दे दे भाग कर खुद जा। इस पर डर
अरे विजय सिंह चौहान, तुम साले हरिचंद बन के आए थे, अरे बैठने का व्यवस्था कर। आप यहां बैठकर सिगरेट पी रहे हो? क्यों, क्या बात है? बैठे मेरे दोस्त, बैठो। मैं बैठू? और आप यहां पे खुशियां मना रहे हो, बैठकर सिगरेट पी रहे हो, कहते हो बैठो। और क्या करें, क्या करो? शायद आपको नहीं मालूम, वो जो साला सूरज सिंह था आपके और मैंने उसे विजय सिंह के हाथों गिरफ्तार कराया था, लेकिन वो साला फिर लॉकअप से बाहर हो गया, लॉकअप से आजाद हो गया। बोलो बोलो, खबर मैं दूंगा ठाकुर साहब। और छोटे मालिक विक्रम सिंह, आप जब जब जाल बिछाएंगे, वो जानते हो चूहा बन करके, बिल्ली चूहा बन करके आपका जाल काट देगी। वो कौन है चूहा बनने वाली रे? इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान की पत्नी किरण देवी। आपने सेलको डलवा दिया सूरत को, और जानते हो हाई कोर्ट करके जमानत के कागज ला करके इंस्पेक्टर का ऐसा कानून का तमाचा मार रहा है, उनको मजबूर होकर के सूरत को छोड़ना। इसका मतलब विजय सूरत सिंह की जमानत हो गई है? हो गई। मेरे दोस्त, अब इसी वक्त तुम मेरे साथ अंगनू की झोपड़ी को चलो, क्योंकि अंगनवास से रुपया भी लेना है। क्यों नहीं? उसके बाद में हम सोचेंगे। लेने के ले गए काहे मत के लाठी थे, अब लाठी कहाँ चलोगे? अंगनवा की झोपड़ी, अंगनवा की झोपड़पट्टी। हाँ दादा ठाकुर गए हैं, चलो गाड़ी में बैठो, तुम अपनी गाड़ी की चाबी लाओ। गाड़ी की चाबी तो नहीं, बोलो साले गाड़ी की चाबी कहाँ चली? हाँ अंगनवा की झोपड़ पट्टी भी। अब जूतनों की याद कर लिया? कोई बात नहीं याद है, बस भाई जूती वाली पर। अरे तो भाई परे रहे हम, कब तब याद है? आए खौते ना करो निपारा पर, मैं मोहब्बत तमीजी कर रहा। साले नेपाला पर बोल। हां नेपारा पर दस बीत गिन पान जब भर 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 पर लग तुम ना गिन पा रहा। परेशान मत हो, आज वहीं पे चलूंगा। हां और जो सालीब उसकी लौंडिया बिजली है, देखने को मैं बहुत तरस रहा हूँ रे। क्या? जब तक उसको देखता रही हूँ, ना जाने मेरे को क्या हो रहा है नौका। क्या बात? अरे तो सोहरा देखने को आँखों की देखने को आँखों की ये पुतलिया तरसती है, देखने को आँखों की
रुपया मार्केट देखावे गए रहे वही लौट नहीं आई है। तबीयत बहुत परेशान है, आज दम फूल रही है, का बताई है। चोरिया बनवा और हमारे यहाँ से जो रुपये मालिक रहम करो, मालिक और सता चुके हो बहुत, और सता चुके हो बहुत, अरे ज्यादा मुझे सता हो बहुत ज्यादा मुझे से कर मारोगे तुम पूरा भगवान का ये रुपये लाओ। कैसे रुपया, इसे पूछो, इस पूछो खूसा से पूछो, तुम यह कलवे से पूछा खो रहा तेरे 1500 रुपया, 1500 रुपये क्यों? क्या अंगनू ने तुमको रुपया दिया है? हाँ, 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 हाँ। अब नहीं दिया है, जब बिटिया बताए किसने रुपया दिया था? हाँ। किसने रुपया दिया था? किसने रुपया दिया था पूछो? सूरज ने पूरे 1500 का तमाचा इनके मुख। क्यों? क्या सूरज ने तुमको 1500 रुपये दिया था? चलो, तुम सूरज सिंह को बुलाओ और बुला करके मेरे सामने बयान करे कि मैंने 1500 रुपये दिया था। अगर सूरज ने रुपया दिया होगा तो तुमको मैं बनती हुई दीवार में चुनवा दूंगा। हाँ लाओ, तुम फोन लाओ, हमका हमका नंबर मालूम है, लाके तो खोल लाओ इकी लाओ। 99 56 75 86 सूरज, मैं बिजली भूल रही हूँ अपने घर से, फोन इसलिए मिलाई हूँ जो खौ रहा मरी का फिरावा है। हाँ विक्रम सिंह और यहाँ के जो जमींदार हैं ठाकुर भयंकर सिंह भी आए हैं, वो पैसे मांग रहे हैं क्या? हाँ तुम जल्दी आ जाओ, हमारे बप्पा बहुत मार रहे हैं।
साला झगड़े की जड़ तुम थे। अब मैं फोन करूंगा एसपी अमरनाथ के पास, फोन करूंगा। हेलो, राम राम साहब, राम राम साहब। हम लोकई वाल्मीकि बोलित है, रतनपुर जुग्गी से ने बोल रहे साहब। हमरे रतनपुर मा या कंगनू का रहत रहे तो उनका साहब एक लोंडा मर्डर से है। हाँ मटर हो गवा 20 मीटर के है साहब। हाँ है वाल्मीकि। हाँ साहब लोकई वाल्मीकि, लोकई वाल्मीकि। हाँ हाँ बहुत ये तो ठाकुर विक्रम सिंह भयंकर सिंह ने अच्छा नहीं किया। हमको लगता है ये लोग हमें धोखे में बुला करके, हमको लगता है बिजली को उठा करके ले गए हैं। लेकिन नहीं, मैंने कहा था ठाकुर विक्रम सिंह कि ऐसा गलत काम दोबारा मत करना, नहीं तो तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। ठाकुर विक्रम सिंह, अरे तू सोचता होगा कि बिजली को बचाने के लिए विक्रम सिंह नहीं आएगा, मैं आ रहा हूँ। ठाकुर भयंकर सिंह, वाह, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास तुम्हारी मौत बन करके। तेरे ऐसा जनों आज तूने खुलेआम अंगनू किसान का मर्डर कर दिया और तलवार लेकर के तो नहीं साहब, मैंने अंगनू चाचा का खून मैंने नहीं किया है। हर कोई कातिल यही कहता है कि यह मर्डर मैंने नहीं किया है, फिर तो क्यों बोलेगा दीवान। नहीं साहब, यू आर अंडर अरेस्ट लगा। नहीं साहब, अरे ये खून मैंने नहीं किया है साहब। अरे मैं सच कह रहा हूँ, ले चल इसे थाना रतनपुर, ले चल अंगनू की लाश उठाओ और सील कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय। देखा माशू खान, खुले आम आज सूरज ने अंगनू किसान का मर्डर कर दिया और बच्चुबाने एसपी अमरनाथ से करता है। आज जाऊंगा थाना रतनपुर और मैं इसके हड्डी हड्डी बिजली आराम आराम से करते हैं तुम्हारे तरह। मेरा दोस्त है, काफी द्रोह से परेशान था। आज साली बिजली के साथ फिर साले बात कर रहे हो। मेरा दोस्त सारे मजे लूट के तभी आएगा। मुझे चलना चाहिए
दा क्रिकेट कर वीडियो चलत गई सी खौसा ना कहना वा हां साली फाड़ी फाड़ी हो गई साली की बर्बाद। छोटे मालिक छोटे मालिक कौनी बेल पर गन्ना डारिया गन्ना डाल क्या रहा हूँ के मैं गन्ना डाल क्या रहा हूँ मैं बिजली के साथ आर आप यू कर क्या रहा हूँ तेरे कहने का मतलब क्या है? मुसीबत बरत है तब कहित रहा निवर्तन में है का हमारे पुरखा पानी नहीं पाई है का साले नवरात्रि चल रही है और तुम साले तेरे पुरखा पानी निवर्तन में है मास्टर ही मचरी खा दे मजा आवे तो जाओ रे इस बंदा अरे मार का साथियों को दिया है तू मुझे दावत और मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा क्या मुद्दा एक बात याद रखना इस बात रे पानी रे आज पहली बार हुआ ये लड़की आते आते हमारे बिहार में बेहोश हो चुकी रे देख इसकी सांस चल रही है नहीं रही सरदार जी एक उपाय बहुत अच्छा कौन सा उपाय कमेटी वाले कहा थे यार कुछ जुगाड़ नहीं बनना एक जुगाड़ बहुत बढ़िया कैसा जुगाड़ है ये लौड़िया करीब पहले निकाल ली ओ साले बेहोश है और तुम कहते हो पहले निकाल ली लटिया चोर बनना चाहते हो जब बेहोश आदमी हो चाहे जो उनको डरों के साथ में जान नहीं पाई कि कौन आदमी हमने तत्का किया इसे होश मिला सरदार जी क्या है रे ये बिटावा कर रहा भाई दुप दुप चल रही है यानी इसके साथ चल रही है लेकिन ये बेहोश है हाँ इसे होश में लाओ हमारा औजार पकड़ो निकल करके बाहर गिर जाएगा भैया आप लोग कौन हैं? हम लोग झाटू हैं। डाकू हैं? हम लोग डाकू हैं। तो आप लोग दूर क्यों खड़े हैं? आओ तुम भी अपने दिल के अरमान पूरे कर लो क्योंकि गरीब की बेटी इसीलिए तो बनाई जाती है कि अमीरों के दिल के अरमान पूरे हो सके तुम भी आओ नहीं, नहीं। हम ओटा को नहीं जो बहन बेटियों की इज्जत लूटते हम ओटा को है जो अमीरों को लौट कर गरीबों की मदद करते हैं लेकिन बहन आज तू अचानक भागते भागते ये दशा में तू बिहार में आ चुकी आपने मुझे बहन कहा है हाँ बहन भैया भैया बिजली लुटी भैया बिजली लुटी गई और ना कुछ भी पास भैया बिजली भैया
तो दिल बेदार रही ये जीते अब तो दिल भैया कौन है ऐसा इंसान मेरा सब कुछ लूट गया है। ठाकुर भयंकर सिंह व विक्रम सिंह ने मेरी इज्जत को लूट लिया और मेरे बापू जिनका नाम अंगनू किसान है गोली से मार दिया। मंगल सिंह बहन को रोको और ठाकुर विक्रम और वह भयंकर सिंह को भी दुनिया से। नहीं भैया नहीं। अरे तुमने तो मुझे बहन कहा है और क्या बहन की मांगे पूरी नहीं करोगे? बोल बहन, ये तेरी हर ख्वाहिश तेरी हर इच्छा तेरे लिए जान देने के लिए तैयार है बहन। भैया आपकी जान नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही कहूंगी आपसे कि भैया अगर तुमने मुझे नई जिंदगी दिया है तो लाओ ये अपनी माँ भवानी दे दो भैया, क्योंकि जालिमों ने हमारे सीने में इतने कांटे चुभोए हैं एक एक जख्मों का हिसाब। अगर ये बात है बहन तो ये ले डाकू भैरव सिंह की माँ भवानी और खाजा कसम और अपने दुश्मनों से बदला चुन चुन के। माँ शक्ति दे, अरे शक्ति दे कि जिस चम्बल से निकल जाऊं ता चम्बल का पत्ता पत्ता। या माँ भवानी हमरा जिस्म पत्थर व पसार का बना दे, अरे जो हमारे दिल के अंदर वो इंतकाम की आग भभक रही है जब तक ठाकुर भयंकर सिंह विक्रम सिंह के खून का तिलक अपने मस्तक पे नहीं लगाऊंगी, अरे तब तक जान क्या भाया व्यक्ति हो गया और बहन ये तेरी बात पर और हो गया तेरी बात पर अपने वादे इरादे निभाएगी तू जिसने आंसू दिया और तेरे आंख में खून से मुझके गंगा की कसम और माँ भवानी की मैं और माँ भवानी की मैं अपने बाते ही नाते निभाव उसे भी जिसने आंसू दिया है और मेरी आंख में खाद से मिट गंगा।